दोस्तों, क्या आपने ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो साल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 40 साल में सिर्फ एक बार यहाँ के भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं? यदि आपकी नसीब अच्छी रही तभी आप अपने पूरे जीवन में दो बार इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति 40 साल बाद पानी के अंदर से निकलती है और भक्तों को दर्शन देकर फिर से पानी की गहराइयों में समा जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी साउथ इंडिया मंदिर दर्शन श्रृंखला में। आज आप जानेंगे इतिहास के सबसे रहस्यमय मंदिर भगवान वरदराजा मंदिर के अनसुलझे रहस्य के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारत का कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे 1000 मंदिरों के सुनहरे शहर के रूप में भी जाना जाता है। कांचीपुरम भारत में सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे भारत के सबसे 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। यहीं पर स्थित है यह रहस्यमय मंदिर जिसका नाम है वरदराज पेरुमल मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु अति वरदराज मूर्ति के रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए 40 साल में कुछ दिनों के लिए जल समाधि से बाहर निकलते हैं। इस अनोखे मंदिर में लोगों की अपार श्रद्धा है। यही वजह है कि भगवान वरदराज भले ही 40 सालों तक जल समाधि में रहते हों, लेकिन पूरे साल इस मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटती है। इसके पहले 2019 में और उसके पहले 1979 में भगवान वरदराज जल से बाहर आकर भक्तों को 48 दिनों के लिए दर्शन दिए थे और अब 2059 में फिर से भक्तों को दर्शन देंगे। अति वरदराज मंदिर कांची के प्रमुख मंदिरों में से एक है। करीब 23 एकड़ क्षेत्र में बने इस मंदिर में दो सरोवर सहित कुछ छोटे मंदिर भी हैं। इस मंदिर में करीब 400 पिलर वाला हॉल है। यह 3 मंजिला है। अति वरदराज आखिर क्यों 40 साल सरोवर के अंदर रहते हैं? इससे पुराणों से लेकर मुगलों तक कई कहानियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कांचीपुरम ब्रह्मा जी के यज्ञ की भूमि है। वह एक बार इस जगह यज्ञ करने आए। यज्ञ में पत्नी का साथ होना आवश्यक है, लेकिन उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी मौजूद नहीं थी, तो ब्रह्मा जी ने गायत्री को साथ लेकर यज्ञ की विधि शुरू कर दी। इसके बाद में उनकी पत्नी क्रोधित हो गई। उन्होंने बेगवती नाम की नदी का रूप धर लिया, जो आज भी कांची में बहती है। वह अपने वेग से कांची को तहस नहस करने की ठानी, लेकिन इस बीच भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने अपने शरीर से बेगवती नदी को रोक दिया। उसे रोकने के लिए भगवान भूमि पर दीवार की तरह लेट गए। बाद में ब्रह्मा के आदेश पर विश्वकर्मा ने अंजीर की लकड़ियों से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार की, जो नाम पड़ा अति वरदराज। अति का अर्थ है अंजीर की लकड़ी और वरदराज यानी हर तरह का वरदान देने वाले। यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन यज्ञ की अग्नि का तेज इतना ज्यादा था कि भगवान विष्णु सह नहीं पा रहे थे। मंदिर के पुजारी को उन्होंने सपने में निर्देश दिया कि प्रतिमा को मंदिर के ही अनंत सरस तालाब में रख दें और पूजा के लिए दूसरी प्रतिमा पत्थर से बनाई जाए। तब पुजारी ने सवाल किया कि इस प्रतिमा के दर्शन कैसे होंगे। तब जवाब मिला, हर 40 साल में एक बार इसे 48 दिन के लिए निकाला जाए। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। और कुछ लोगों का मत है कि जब दक्षिण में मुगलों ने आक्रमण किया और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाया, तब इस प्रतिमा को मंदिर के तालाब में छिपा दिया गया था। फिर 40 साल बाद मंदिर के धर्माधिकारी के पुत्रों ने इसे बाहर निकाला था। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। जिस अनंत सरोवर में भगवान अति वरदराज की प्रतिमा रखी जाती है, उसके बारे में भी कई रोचक तथ्य है। कहा जाता है कि इस तालाब का पानी कभी कम नहीं होता, ना ही तालाब 40 साल में कभी सूखता है। प्रतिमा निकालने के लिए इसे खाली किया जाता है, तब 48 दिनों तक यह सरोवर सूखा रहता है। अति वरदराज की प्रतिमा लकड़ी की बनी है। यह लगातार पानी में रहती है, फिर भी यह नहीं सड़ती। प्रतिमा के मूल स्वरूप में भी कोई बदलाव नहीं होता। प्रतिमा पर किसी तरह का लेप नहीं लगाया जाता।
जिस तरह निकाला जाता है वैसे ही फिर रख दिया जाता है। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सरोवर से निकालने के बाद प्रतिमा को शुरुआत के 31 दिन शयन मुद्रा में रखा जाता है और अंतिम के 17 दिन के लिए प्रतिमा को खड़ा किया जाता है। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो अति वरदराज मंदिर का निर्माण 1053 में चोल वंश द्वारा करवाया गया था। इसी वजह से यह मंदिर धार्मिक यात्रियों के साथ साथ इतिहास और कला प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यकीन मानो, आप जब वरदराज पेरुमल मंदिर की यात्रा पर जाएंगे तो भगवान विष्णु के दर्शन के साथ साथ मंदिर परिसर की भव्य वास्तुकला और जटिल नक्काशी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों, कांचीपुरम का समृद्ध इतिहास 2री शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में आया है। यह भी माना जाता है कि यह शहर महाभारत के द्रविड़ साम्राज्य का एक हिस्सा था। प्रसिद्ध कवि कालिदास जी द्वारा इस प्राचीन शहर को दक्षिण का बनारस कहा जाता है। दोस्तों, आप अति वरदराज मंदिर के अलावा कांचीपुरम में और भी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन अपनी यात्रा के दौरान कर सकते हैं। हम इनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में आपको बताते चलें। इन मंदिरों में कामाक्षी अम्मन मंदिर, देवराज स्वामी मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कांची कुटिल, एकांबरनाथ मंदिर, वैकुंठा पेरुमल मंदिर, जैन मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कुमारकोड्डम मंदिर, कच्छपेश्वर मंदिर, एरीकथा रामर मंदिर आदि प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। कांचीपुरम की यात्रा पर जा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि कांचीपुरम एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां आप प्रसिद्ध मंदिर और अन्य पर्यटन स्थल के साथ साथ पैरासेलिंग, क्यूबा डाइविंग, रॉकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एक्टिविटीज भी इंजॉय कर सकते हैं। कांचीपुरम की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस दौरान कांचीपुरम का तापमान काफ़ी सुखद और ठंडा होता है। सुखद और ठंडे के मौसम के साथ साथ इस समय कांचीपुरम में कई प्रसिद्ध उत्सव और त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें गरुड़ोत्सव इस मंदिर का प्रमुख त्यौहार है। इस समय देसी विदेशी हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। वहीं दिसंबर जनवरी के मध्य में वैकुंठ एकादशी का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं यहां कैसे पहुंचा जाए। यदि आप वरदराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो पेरुमल मंदिर कांचीपुरम बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का कांचीपुरम जंक्शन मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आपने कांचीपुरम घूमने जाने के लिए फ्लाइट का सिलेक्शन किया है तो जान लें कि कांचीपुरम का नज़दीकी हवाई अड्डा चेन्नई एयरपोर्ट 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट पर आप उतरने के बाद कांचीपुरम पहुँचने के लिए आप बस या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जहाँ से आप लगभग 40 से 45 मिनट का सफर करके कांचीपुरम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से फिर से एक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय वरदराज स्वामी।